सलीचा पा धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी, जिन्होंने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली मनाया अपना बर्थडे। अर्जुन ने जूम के साथ मिलकर केक काटा और सेलिब्रेट किया अपने इस खास दिन को। सबसे पहले मैं जूम को थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर गेटिंग दिस वंडरफुल केक फॉर मी एंड विशिंग मी ऑन माय बर्थडे। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को याद रहता है, सो थैंक यू सो मच। तो अर्जुन, फैन से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अब एक नया शो करने जा रहे हैं और बर्थडे भी आ रहा है आपका, नई शुरुआत है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस शो। अभी मैं ऑस्ट्रिया से आया हूँ, लौटा हूँ और शूट करके बहुत ही माइंड ब्लोइंग लोकेशंस पे हमने शूट किया है एंड यहाँ पर अभी हमारी शूटिंग भी शुरू हो गई है। शो ऑन एयर जा रहा है 7 नवंबर को एंड परसों, मतलब आज बर्थडे है, तो आई एम हैप्पी कि मैं बर्थडे के दिन काम भी कर रहा हूँ, सो थैंक यू गॉड फॉर दैट। एंड मैं बस ये प्रे करता हूँ कि ये शो अच्छा करे। सबकी बहुत मेहनत लगी है इसमें, खास करके जो एक्टर्स हैं इतनी ठंड में जाके अभी शूट करके आए, द एंटायर यूनिट एंड जो अगेन एकता कपूर इज़ कमिंग अप विद हर शो परदेश में मेरा दिल, विच इज़ गोइंग टू अगेन शो डिफरेंट काइंड ऑफ अ लव स्टोरी एंड आई जस्ट होप इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस और लोग इसे देखें और उतना ही प्यार दें जितने मेरे पहले के शोज़ को दिए। वैसे तो पार्टीज ही होती है बर्थडे के दिन, मैं मंदिर ज़रूर जाता हूँ और इस बार अयान भी है, पिछले साल भी था, बट अभी नाउ ही इज़ अ लिटिल ओल्डर सो ही अंडरस्टैंड्स एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग लॉट ऑफ वर्ड्स, तो केक तो वही काटेगा अयान, और जैसे ही केक कटता है तो फिर वो कहता है पार्टी 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 ऐसे कहता है, सो वी गॉट दीज लाइट्स एट होम, तो जब भी वो ऑन होती है तो ही स्टार्ट्स, ही नोज दैट इट्स अ पार्टी ना, तो वो बोलता है कि पापा पार्टी पापा पार्टी, सो इट्स गोना बी फन विद हिम। बेस्ट बर्थडे मेमोरी कौन सी है आपकी, मतलब चाइल्डहुड डेज से लेकर अभी तक कोई सबसे बेस्ट बर्थडे? बेस्ट बर्थडे आई थिंक सारी बर्थडेज बहुत स्पेशल थे, आई कैन नॉट रियली पिन पॉइंट कि ये बर्थडे अच्छा था या वो बर्थडे अच्छा नहीं था, सारे मेरे ही बर्थडे थे, सारे ही अच्छे थे एंड बट येस आई गेस वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज विच आई हैव हैड वो व्हेन माय डैड वाज देयर, तो वो हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट लाते थे मेरे लिए, तो इस साल मतलब यू नो पिछले 12-13 सालों से वो गिफ्ट नहीं आता मेरे पास जो यू नो जो मेरे डैड मुझे देते थे, सो बट यस आई गेस आई एम वेटिंग फॉर अयान टू टर्न अ लिटिल ओल्डर व्हेन ही विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम मी। नेहा से कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या देंगे? ऑफ कोर्स नेहा कुछ ना कुछ तो करेगी एंड शी ऑल्सो मेक्स माई बर्थडे रियली स्पेशल बिकॉज यू नो वो समझती है मुझे एंड शी नोज एग्जैक्टली वॉट आई लाइक वॉट आई डोंट लाइक, तो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ सोच ही रही होगी। अगर बात करें ऑस्ट्रिया अभी आप शूट करके आए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका वहाँ पे शूटिंग का, और मतलब ठंड भी थी और मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है बिकॉज देयर सच अ ड्रास्टिक वेदर चेंज, वी आर इन लाइक 0 degrees -6 एंड -10 एंड नाउ वी हैव कम बैक टू द बॉम्बे हीट मुंबई हीट एंड तो एकदम से मेरा गला भी ख़राब है, बट whatever said and done, it was a beautiful you know time that we had there along with shooting और जब यहाँ के scenes अभी हम shoot कर रहे हैं and you know the story is developing and I'm just waiting for the show to come on air, और अभी promo आया, लोगों को बहुत पसंद आया, so yes may the show be like really ruling people's minds and we receive lots of love from them. एक चीज़ पूछना चाहूँगा बस कि गर्मी में इस कपड़ों के साथ कैसे शूट कर पा रहे हैं? हमें मुंबई में तो सेट पर एसी है तो इतनी दिक्कत नहीं है, ऑफ कोर्स आउटडोर उस दिन हम 2 दिन फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, हमने 4-4 लेयर कपड़े पहने हुए थे एंड इट वाज एंड यू कैन नॉट इवन शो इट ऑन योर फेस ऑब्वियसली, ए बिकॉज यू आर एक्टर्स, बी बिकॉज चाहे जितनी गर्मी हो लोगों को पता है स्टोरी तो ऑस्ट्रिया में एंड इट्स चैलेंजिंग बट दैट्स आर जॉब, सेट पे एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं होती, और अभी लकीली सर्दियाँ भी शुरू हो रही हैं, जो भी है मुंबई की सर्दियाँ जो भी होती हैं थोड़ी बहुत,
तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. यस व्हेन वंस द विंटर्स आर ओवर देन आई गेस थोड़ी मुश्किलें आएंगी. लास्टली जूम के से व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे जो आपके फैंस भी हैं जो आपके बर्थडे पे वेट कर रहे हैं आपको विश करने के लिए? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई बर्थडे स्पेशल. जस्ट प्रे फॉर मी, कीप मी इन योर प्रेयर्स. बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ. टच वुड, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड फॉर एवरी थिंग एंड आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम यू बींग मी, कीपिंग मी इन योर प्रेयर्स. गॉड ब्लेस. Thank you so much. Thanks.